भारत देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। आज़ादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले भारत माता के सच्चे सपूत थे। शास्त्री एक महान व्यक्तित्व थे। वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की मृत्यु हो जाने के कारण शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वर्ष 1965 में हुए भारत पाक युद्ध में उन्होंने देश का नेतृत्व किया था। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बड़ा ही सादगीपूर्ण और साहसिक था। शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा उद्घोष कर देश को एकजुट करने का प्रयास किया। अपने अभूतपूर्व कार्य के लिए इन्हें वर्ष 1966 में देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। इनके पिताजी शिक्षक के रूप में कार्य करते थे, इसलिए उन्हें मुंशी जी कहकर बुलाते थे। इनकी माता का नाम राम दुलारी था। इनकी माता गृहस्थ और धार्मिक महिला थी। लाल बहादुर शास्त्री जब सिर्फ 1 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का निधन हो गया था। इसके बाद इनके पिताजी और माताजी ने लाल बहादुर शास्त्री को पाला और इसी के साथ अपनी 2 बेटियों का पालन पोषण भी इनकी माताजी ने ही इनके पिताजी के देहांत के बाद किया। लाल बहादुर शास्त्री की प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही पूर्ण हुई। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से की। उन्होंने संस्कृत भाषा में अपना स्नातक पूर्ण किया था। जिसके बाद उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। तभी से इनका नाम के पीछे शास्त्री शब्द लगाया जाने लगा। वर्ष 1928 में इनका विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ, जिससे उनकी 6 संतानें हुई थी। वर्ष 1921 में सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में शास्त्री जी असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था, जिसके बाद वर्ष 1921 में वह लाला लाजपत राय द्वारा बनाई गई द सर्विस ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़ गए थे। वर्ष 1930 में वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े और उन्होंने पूरे देश में लोगों को ब्रिटिश शासन को करों का भुगतान ना करने के लिए उद्बोधन किया। इसके बाद इन्होंने दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने करो या मरो के नारे को परिवर्तन कर मरो नहीं मारो कर देशवासियों में उत्साह भर कर आंदोलन में भाग लेने के लिए आह्वान किया था। इस दौरान उन्हें 1 वर्ष के लिए जेल जाना पड़ा था। आज़ादी के बाद जब गोविंद वल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब लाल बहादुर शास्त्री को उनकी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता और संगठन कौशल के आधार पर संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें पंत जी के मंत्रिमंडल में पुलिस विभाग और परिवहन मंत्री बनाया गया। आज़ाद भारत में लाल बहादुर शास्त्री ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के महासचिव के भूमिका निभाई थी। इस दौरान कांग्रेस ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की थी। वर्ष 1952 में हुए आम चुनाव में लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय मंडल में नियुक्त किया गया था। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री के रूप में कार्य किया था। वर्ष 1926 में शास्त्री जी ने एक रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी को लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्होंने भारत के गृह मंत्री के रूप में उन्हें चुना गया और नियुक्त किया गया था। इन्होंने वर्ष 1962 में हुए चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया था। वह हमेशा पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते थे।
वर्ष 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। इस दौरान तात्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक आकस्मिक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सेनाओं के रक्षा प्रमुख और शास्त्री जी को निमंत्रण दिया गया था। इस दौरान शास्त्री जी ने देश का नेतृत्व किया था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु को लेकर आज भी संशय बना हुआ है। 11 जनवरी 1966 को रहस्यमय तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि इनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, परंतु उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें जहर दिया गया था, जो उनके दुश्मनों की गहरी साजिश थी, जिसको लेकर आज भी अलग अलग मत बने हुए हैं। अगर आपको भी देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।